दोस्तों, तो आज का वीडियो मेरा होने वाला है उन मम्मीज के लिए जिनको ये टेंशन रहती है सर्दियों में कि मैं अपने बेबी के अब जो है तेल से मालिश किससे करूं, क्योंकि हम गर्मियों में होता है कि जॉनसन बेबी से कर लेते हैं और कोकोनट ऑयल से कर लेते हैं मालिश। तो अब हम सर्दियों में आ गए हैं, उसके लिए बच्चे को थोड़ी सी गर्माहट भी चाहिए जिससे उसकी हड्डियां वो मजबूत भी रहे और शरीर में जो है वो गर्माहट भी बनी रहे। दोस्तों, तो उसके लिए हम कौन से तेल का इस्तेमाल करें जो हमारे बच्चे के लिए सबसे बेस्ट रहेगा, दोस्तों वही मैं आप लोगों को बताऊंगी जो मैं अपने बच्चे के ऊपर यूज करती हूँ। ठीक है, वही बताऊंगी क्योंकि जैसे मेरा बच्चा ऐसे आप सभी का बच्चा। ठीक है दोस्तों, जो मैं अपने बच्चे पे यूज करती हूँ वही मैं आपको बताऊंगी और बहुत ज्यादा बेनिफिट वाला तेल है दोस्तों। इससे आपके बच्चे को सर्दी नहीं लगेगी, अगर लगी होगी तो वो भी धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती है दोस्तों। ठीक है, तो चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, पहला तो मैं आप लोगों को बताऊंगी जो पहला तेल है वो बताऊंगी आपको कि आप आमंड ऑयल भी ले सकते हैं, मतलब बादाम का तेल या बादाम रोगन वाला ऑयल आता है वो भी ले सकते हैं दोस्तों। उसमें वो गर्माहट रहता है, गर्म तासीर का रहता है, उसमें विटामिन ए विटामिन सी भरपूर मात्रा में रहते हैं दोस्तों, जिससे आपके बच्चे की जो बॉडी में ना जो नरिशमेंट भी बना रहता है आपके बच्चे की बॉडी में और स्किन भी ग्लोइंग करती है और साथ ही साथ वो तेल गर्म भी रहता है जिससे आपके बच्चे की जो है गर्माहट बनी रहती है और हड्डियों को भी मजबूती मिलती है दोस्तों। ठीक है, पहला तो आप ये ले सकते हैं। दूसरा तेल दोस्तों, आप जैतून का तेल भी ले सकते हैं। जिस तरह आप जानते हैं कोकोनट बादाम का तेल है वो गर्म रहता है, उसी तरह जो जैतून का तेल है वो भी बहुत गर्म तासीर का होता है दोस्तों। तो आप जैतून का तेल भी अपने बच्चे की मालिश के लिए दूसरे नंबर पे ले सकते हैं दोस्तों। तीसरा तेल होता है तिल का तेल, अगर वो भी आप लोगे, क्योंकि ये सारे तेल हैं जो मैंने अपने बच्चे पे इस्तेमाल किए हुए हैं दोस्तों, मैं वही बताऊंगी। और आप अपने बच्चे के ऊपर तेल लगाने से पहले ये जरूर चेक कर लेना अगर आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन वगैरह किसी तेल से ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि मेरी बड़ी बेटी के साथ ही सारी प्रॉब्लम बनी रहती थी तो मैं उसको मालिश करते हुए भी डरती थी, लेकिन मेरी छोटी बेटी के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैंने वो सारे तेल उस पर यूज करके देखे हैं दोस्तों, सारे ही उसके ऊपर चल जाते हैं, कोई मतलब इन्फेक्शन वगैरह होने का कोई खतरा नहीं रहता दोस्तों। ठीक है, तो तीसरा तेल मैं आपको बताऊंगी दोस्तों, तिल का तेल। ये भी गर्म तासीर का तेल होता है दोस्तों, ये भी गर्म होता है, आप अपने बच्चे की मालिश के लिए इसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट इसके भी होते हैं दोस्तों। चौथा पर्सनली जो मैं खुद यूज करती हूँ, जो मैंने अपने तीनों बच्चों में यूज किया है दोस्तों, मैं वही बताऊंगी और आज तक भी मैं उसी से मालिश करती आई हूँ अपने बच्चे की। तो चौथा मैं बताऊंगा आपको दोस्तों, सरसों का तेल। उसको और गर्म बनाने के लिए मैं उसमें 2-4 लहसुन की कलियां होती हैं उन्हें काट कर डाल लेती हूँ, अजवाइन होता है अजवाइन को डाल लेती हूँ और मेथी के दाने होते हैं दोस्तों, सबके घर में ये चीजें अवेलेबल होती है, डेली यूजेस की होती है दोस्तों, सबके घर में अवेलेबल होता है ये मेथी, आप उसको डालिए और अच्छी तरह से उसे पका लीजिए। ठीक है दोस्तों, और पकाने के बाद इतना पकाइए वो ताकि उसका लहसुन हो गया अजवाइन हो गया वो सब उसमें काला काला सा जल जाए, इतना पका लीजिए, वो तेल अच्छा खासा आपका गर्म बन जाएगा, बढ़िया उसमें बहुत ज्यादा गुणकारी तेल बन जाएगा जो आपके बच्चे की जो हड्डियां होती है उसे भी मजबूत करेगी। और जब भी आपके बच्चे को वो तेल यूज करोगे ना तो आपको बच्चे को ठंड लगने की तो कोई बात ही नहीं है कि ठंड लग जाए आपके बच्चे को, आप उसकी मालिश जरूर करें इस तेल से। और जब भी मालिश करें हल्का सा गुनगुना करके आप अपने बच्चे की मालिश करिए दोस्तों। ठीक है, ठंड में और ज्यादा देर ठंड में मालिश नहीं करनी है दोस्तों, क्योंकि बच्चे को हवा हवा लग जाती है ठंडी, इस बात का भी ख्याल रखना है। जब भी मालिश करें आप कम बंद कमरे में करें और ज्यादा देर तक नहीं आपने बच्चे को खुला रखना है दोस्तों, फटाफट से 10 से 15 मिनट में आप अपने बच्चे की मालिश कंप्लीट करिए, उसके बाद आप 10 फीड जरूर कराना चाहिए मालिश के बाद ना। ठीक है दोस्तों, कपड़े में लपेट के आप उसको फीड कराइए, उसके बाद ही आप अपने बच्चे को नहलाइए, स्पॉन्ज दे जैसा आप करते हैं वैसे आप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये चार तेल है जो मैं यूज करती हूँ और जो मैंने कहीं आपका बता रही हूँ, और इसके अलावा मैंने कोई तेल यूज नहीं किया, डाबर लाल मैंने यूज नहीं किया दोस्तों, तो उसके बारे में मैंने आपको बताया भी नहीं है। कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट करके पूछा था दोस्तों डाबर लाल तेल कैसा है, तो दोस्तों से बता रही हूँ और नस्ली रिव्यू दूंगी दोस्तों, मैंने नहीं यूज किया है नहीं मैंने इस्तेमाल किया तो मेरे को उसके बारे में नहीं पता है दोस्तों। ठीक है, ये जो तेल मैंने यूज किए हैं इस्तेमाल किए हैं वो मैं आप लोग को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रही हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं दोस्तों। इसी तरीके से वीडियोस नहीं आ पा रही थी क्योंकि मैं बीमार हो रही थी दोस्तों। ठीक है, 3 बच्चे हैं साथ में, मैं बीमार थी तो इस वजह से मेरा वीडियो नहीं आ पाया। तो दोस्तों अब कंटिन्यू वीडियोस आएगा, प्लीज बहुत सारा प्यार बहुत सारा सपोर्ट बनाए रखिए अपनी छोटी बहन के साथ अपनी भाभी के साथ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।